अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी कुछ चीज़ें जो मैंने खादी होम से ली थी अपने अपार्टमेंट के लिए। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपके साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। तो वन बाय वन मैं अब आपको बताती हूँ कि ये मैंने किस प्राइस में ली हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये सोप डिस्पेंसर है और रियाद में मुझे इस तरह के सोप डिस्पेंसर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और मैं वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ख़रीद चुकी हूँ, लेकिन ये क्योंकि खाड़ी का स्पेशल स्टाइल है, इसका ये कपड़ों पर भी ये प्रिंट होता है, तो ये मुझे देखते ही बहुत खूबसूरत लगा। 400 का था ये। अब इसको जाके मैं यूज़ करूँगी तो देखूँगी ये कैसा है। उसके बाद जी ये हमने कोस्टर्स लिए थे, इसके ऊपर आप अपने चाय के मग्स रख के पी सकते हैं, इनको आप अपने डाइनिंग टेबल पे सजा सकते हैं और कोई भी तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे तो इनके प्रिंट्स इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मुझे दिल कर रहा था कि मैं ये सब के सब ख़रीद लूं। और ये जो पैक है ये 6 का पैक था, आप देख सकते हैं कि इसमें 6 कलर्स और डिफरेंट स्टाइल्स के ये थे और ये तकरीबन आई थिंक सो 500 का था। और ये मेरी और मेरी सिस्टर ने मिला के लिया था तो ज़ाहिर है हमने सोचा कि 3-3 का हम पेयर ले लेंगे। और आप ख़ुद सोचें कि इतने खूबसूरत प्रिंट्स के साथ आपको ये चीज़ मिल गई। आप ये सारे इसके प्रिंट्स देख सकते हैं और आप यकीन करें इतने खूबसूरत इनमें और भी डिज़ाइंस थे, इतने खूबसूरत कलर्स थे कि हमें दिल कर रहा था कि हम इन सब का एक एक पैक ले लें। लेकिन इतने ज़्यादा भी ये क्या करने होते हैं, अगर आपके पास डाइनिंग टेबल है तो आप बड़ी ईजीली अपने डाइनिंग टेबल पे इनसे डेकोरेशन कर सकते हैं, इनको अपने साइड टेबल्स पे रख सकते हैं और मतलब बहुत से मतलब मल्टी फंक्शंस हैं ये। आ जाते हैं हम इन टेबल मैट्स की तरफ और आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत टेबल मैट का डिज़ाइन है। और ये प्लास्टिक के टेबल मैट्स होते हैं, वॉशेबल होते हैं या फिर आप इन पे आराम से कोई वाइप या कपड़ा मारें तो ये साफ़ हो जाते हैं। इनकी प्राइस है जी 300 और ये मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन में अगर आप चाहें तो आप एक ही तरह का डिज़ाइन अपने टेबल पर रखने के लिए ले लें या फिर आप इसके मुख्तलिफ कलर्स के और मुख्तलिफ प्रिंट्स के डिज़ाइन में आप अपने टेबल के लिए ले सकते हैं। मैंने 3 तरह के डिज़ाइन लिए थे, एक ये पिंक कलर में था और एक ही येलो कलर में था, क्योंकि मुझे थोड़ा कलरफुल सी चीज़ें पसंद हैं और इस वजह से मैं तो ये साइड टेबल पे भी रख लेती हूँ, जो मेरा मेन टेबल है वहाँ पे भी रख लेती हूँ। और इंशाल्लाह जब मैं एक दफ़ा रियाद जाऊँगी तो आपको इनके साथ अपनी सारी डेकोरेशन ज़रूर दिखाऊँगी। और उसके बाद जी अब ये आ गए हैं कुशन कवर्स और इनका साइज 16x16 है और ये जो हैं सिल्क के हैं कुशन कवर्स और इनकी प्राइस है जी 400 और इसमें जो एम्ब्रॉयडर्ड हैं वो 600 के हैं और ये जो सिल्क के मटेरियल के हैं ये 400 ईच हैं। और इनकी बैग पे इस तरह से एक कपड़ा सा होता है, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और ये काफ़ी दफ़ा वॉश भी किए हैं, ये बहुत अच्छे निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर को ये इतना कलरफुल और इतना लाइवली कर देते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है इन्हें देख के। तो मैंने ये वाले 2 डिज़ाइन लिए थे और एक मैंने इसका रेक्टेंगुलर साइज़ में लिया था, ये मुझे बेड पे इस तरह का कुशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसलिए मैंने ये हैं। अभी आपको थोड़ी वीडियो में थोड़े शार्प कलर्स लग रहे हैं लेकिन ये बहुत खूबसूरत कलर हैं और ये भी 400 का था। और बाकी जो आप इनमें अगर प्रिंट्स, मैंने आपको शॉप पे कल दिखा दिया था कि प्रिंट्स इनमें इतने खूबसूरत हैं कि अगर आपका बेज कलर का सोफ़ा है या आपका बेड आप वाइट बेडशीट्स बिठाते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपके घर में एक जान डाल देती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, खादी होम्स के अलावा वहाँ पे एक शॉप थी, एक स्टोर था, तो मैंने अपने घर के लिए ये कुछ ये चीज़ें भी ले ली। ये 270 के मुझे फोक्स मिल गए थे और उसके साथ ही मुझे वहाँ अपने कैंडल्स के लिए एक लाइटर चाहिए था तो ये भी मुझे 90 रुपीज़ का मिल गया। और सबसे बड़ी बात इसकी ये थी कि इसके साथ रिफ़िल भी थी और ये रिफ़िल भी इसकी मैंने फिर इसके साथ ही ले ली। और बड़ी ईजीली अगर आपका लाइटर ये ख़त्म हो जाए तो आप इसमें आराम से इसको रिफ़िल कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये रिफ़िल हो जाता है।
तो ये भी मुझे एक बहुत काम की चीज़ लगी, तो मैंने ये भी उठा ली। और ये मैं काफ़ी लोगों को देख रही थी, आपको पता है जब आप कुकिंग करते हो साथ चमचे वगैरह रखते हो, प्लेट्स वगैरह, तो बहुत गंदा हो जाता है सारा कुछ। तो ये मैंने उसके लिए ख़रीदा। फिर मैंने ये एयर फ्रेशनर्स लिए, मुझे डन हिल परफ्यूम वैसे ही बहुत पसंद है, तो ये दोनों परफ्यूम्स में ही ये एयर फ्रेशनर्स आए हुए थे, आई थिंक सिर्फ 150 के थे ये, तो ये भी फिर मैंने अपने अपार्टमेंट के लिए ले लिए। तो जी ये थी मेरी अपार्टमेंट की सारी चीज़ें। आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छी लगी।